महामंडल स्वामी बैरागनंद गिरी गांधीनगर गुजरात से भोपाल आकर उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि शिवराज सरकार द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नर्मदा यात्रा में आरती के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। हम आपको बता दें कि 6 करोड़ रुपए के पौधे लगाने का वादा किया था लेकिन केवल 700 पौधे ही लगाए गए। वहीं आरोप लगाते हुए अवैध रेत को निकालने की बात करते हुए नर्मदा का सीना छलनी करने की बात कही जिसकी वजह से नीमाबाड़ घाट पूरी तरह सूख चुका है। कंप्यूटर दबाव पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि उज्जैन संघर्ष के दौरान मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे कि शिवराज ने संतों का अपमान किया है, उन्हें गटर का पानी पिलाया, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति को देखकर शिवराज सरकार ने उनको नियुक्त करके राजमंत्री का दर्जा देकर कंप्यूटर बाबा अब राजनीति के गटर का पानी पीने को भी तैयार हो गए। समापन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर नर्मदा के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ नहीं हुआ तो स्वयं गुजरात से आकर मध्य प्रदेश में नर्मदा के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूरी खोलेंगे। यात्रा उठाना चाहा लेकिन वह बाबा शिवराज ने खरीद लिए या फिर बेच गए, यह भारत के संतों का कार नहीं होता है, क्योंकि भारत के संतों का कार है आईना दिखाना, सत्य की राह पर ले जाना। अखाड़ा वही कार्य करता है जो मुझे करना था मैं कर रहा हूं। मैं नर्मदा परिक्रमा 18 दिन पहले गाड़ी से कर रहा था और नर्मदा में कई घाट ऐसे हैं कि जहां कुछ पौधे दिखाई देते हैं बाकी कहीं से कहीं कोई पौधा दिखाई नहीं देता है। क्या सत्य कहना चाहता हूं, ओम कालेश्वर में जो भगवान भोलेनाथ डेली कल कल पावनी बहती हुई नर्मदा से जो अभिषेक करते थे वह सारे बांधों को रोकने के बाद नर्मदा को सुखा दिया गया है और जगह जगह से नर्मदा का दहन कर दिया गया है। सन्यासी होने के नाते मैं वही कार्य करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो इसी पर अभी स्थिति फिक्स है कि नहीं? अभी तक स्थिति ये फिक्स है कि जिस दिन 13 अखाड़े के संतों को एक बार भोपाल में फिर उतारूंगा फिर स्थिति, मैं मीडिया के सामने सत्य को सत्य लाना चाहता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर बाबा के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता ने ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को एक हर्ष और उल्लास था कि साधु समाज अच्छे के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन शिवराज सरकार को फिर कहना चाहता हूं पंचायती निरंजनी अखाड़े के नाते कि आप साधुओं को खरीदने का काम बंद कीजिए और आप जो की तो बात कहने का प्रयास कीजिए। नहीं, कांग्रेस को भी संतों ने उतार के रख दिया था तो शिवराज सरकार को भी उतार के रख देंगे। साधु अभी निकला नहीं है, बिकने वाले साधुओं से पाला पड़ा होगा लेकिन अखाड़े के प्रतिष्ठित साधुओं से पाला पड़ जाएगा तो शिवराज को मालूम पड़ेगा कि संत समाज क्या होता है।